हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये पूरा ही मार्कशीट की ये वीडियो बना करके आपको दे रहा हूँ। इस पर अगर आप इस चीज को ध्यान से देख लेंगे तो आपका एक ये प्रोजेक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिब्रा ऑफिस ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस को ओपन करना होगा। ये ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस पर आप एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा समझिए आप। तो ये ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस ओपन किया, ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा। नेट पे गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा ओपन ऑफिस। तो ये जो है अपाचे सर्वर के ऊपर बेस्ड होता है और उसी पे काम करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिलहाल हमें इस डेटाबेस को रजिस्टर करना है कि नहीं ये आपको देखना होगा। तो फिलहाल मैं इसे रजिस्टर नहीं कर रहा और इसे फिनिश करता हूँ। अब इस डेटाबेस को एक नाम देना है। तो जैसे मान लीजिए ये डेटाबेस 19.odb एक्सटेंशन होता है, जैसे एक्सेस आप यूज करते होंगे तो एक्सेस में एक्सटेंशन होता है .accdb, लेकिन यहाँ पर .odb एक्सटेंशन है बाय डिफॉल्ट। मैं इसे एक नेम दे देता हूँ, स्टूडेंट या मार्कशीट नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देने वाला हूँ मार्कशीट। तो ये हो गया मार्कशीट, और मार्कशीट लिख करके और अब इसको सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया, और जैसे ही सेव होगा तो ये सिनेरियो खुल करके आएगा। ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आता है। और अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, ठीक है। पहला काम तो टेबल बनाना, तो डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे रोल नंबर। स्टूडेंट का क्या दे दिया, रोल अंडरस्कोर लगा के लिखा है नंबर, ठीक है। और इसका डेटा टाइप देखिए, यहाँ पर एक्सेस के मुकाबले बहुत वास्ट डेटा टाइप का कलेक्शन है। आप देख सकते हैं एक्सेस में इतने ज्यादा डेटा टाइप आपको नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है और इसे बना दूंगा प्राइमरी की। अब प्राइमरी की बनाने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पर माउस के कर्सर को रखिए। आप देख सकते हैं ये माउस का कर्सर जो है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट और अंडरस्कोर लगा के लिखता हूँ नेम। तो ये हो गया स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम जैसे ही देंगे हम तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हो वो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, यानी फील्ड नेम में। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर, तो ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन सर डेटा टाइप चेंज रहेगा, टेक्स्ट के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ न्यूमेरिक रख देता हूं मैं, ठीक है। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स रख दिया हमने। और मैथ्स रखने के बाद आप यहाँ पर जो है नंबर डेटा टाइप रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे साइंस कर देते हैं, तो ये साइंस रखने के बाद यहाँ पर डेटा टाइप आप चेंज करेंगे, तो ये डेटा टाइप आप चेंज कर लीजिएगा, यानी नंबर इसे बना लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो अगला सब्जेक्ट आएगा SST, तो ये हो गया SST, और SST के सब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे भी होता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर और कोई सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश डाल दिया हमने। अब ये कुल मिलाकर के हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, इसको भी नंबर बना लेंगे। अब कुल मिलाकर हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट। तो ये 5 ही सब्जेक्ट को रहने देते हैं और कैलकुलेट करने का काम हम यहां से नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए लेंथ दे रहा है 50, ठीक है। तो अगर आप लेंथ 1 कर देंगे ना तो केवल एक ही कैरेक्टर में एंटर कर पाएंगे रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट का नेम क्या है, यहां पर देख सकते हैं ये भी क्या है, लेंथ क्या दिया गया है 50 दिया गया है। तो अगर मैं इसको 5 कर दूं तो क्या होगा, 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स आप एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हैं, अभी हम इसको सेव करते हैं यहां से, और इसे मैं सेव करता हूं स्टूडेंट टी के नाम से, यानी स्टूडेंट टेबल के नाम से। तो ये हो गया स्टूडेंट, और फिर यहां टी किया और यहां से ओके करेंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहां पर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोज कर दिया हमने, तो आप देखेंगे यहां पे स्टूडेंट टी आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहां पे रोल नंबर आ रहा है, तो रोल नंबर हम दे देते हैं यहां पर क्या दे देंगे, 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो स्टूडेंट का नाम हम दे देते हैं राजकुमार। तो देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये देखिए ये राजकुमार लिखा हमने, ठीक है। और सिंह लिखते हैं यहाँ पे SING, ठीक है। तो ये हो गया राजकुमार सिंह, और फिर यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे। तो ये कंप्यूटर का मार्क्स रहा आउट ऑफ 100, ये मैथ्स का मार्क्स रहा आउट ऑफ 100, ये रहा आपका साइंस का मार्क्स, और ये रहा आपका SST का मार्क्स, और ये रहा इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है। आउट ऑफ 100 मान लीजिए ये मार्क्स रहे। तो यहां पर जो है आप जैसे ही नेक्स्ट वाले फील्ड में आते हैं तो आप यहां पर क्या होगा, आप देखिए यहां पे कह रहा है ना कि योर वैल्यू टू लॉन्ग इन स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू, कह रहा है ना कि वैल्यू बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है और आप अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हो रहे हैं सारी चीजों को मिलाकर के, इसके वजह से कह रहा है ना कि वैल्यू टू लॉन्ग, ठीक है। अब यहां पर इसको क्लोज करते हैं। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब यहां पर वापस आपको आना होगा, इसे एडिट मोड पे लेना होगा, और यहां पर देखिए ये जो 50 कैरेक्टर आपको दिख रहा है यहां पर आने पर, चाहे यहां पर आने पर, देखिए यहां पर 5 ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब 5 दिख रहा है तो इसको हटाना होगा और यहां पर 50 रखेंगे, 60 रखेंगे, 100 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, लेकिन
5 जो है नहीं रखेंगे क्योंकि 5 तो बहुत कम हो जाएगा अमाउंट में, तो इसी वजह से यहां पे 5 आपको नहीं रखना है, यहां पे 100 कर लिया। अब यहां पर जब आप आएंगे तो अब आप चीजें एंटर कर पाएंगे, जैसे यहां पे 1 किया हमने, यहां पे स्टूडेंट नेम कर दिया राम, और यहां पे कर देते हैं कंप्यूटर का मार्क्स कर देते हैं, तो ये कंप्यूटर का मार्क्स रहा, ठीक है। यहां पे मैथ्स का मार्क्स आया, यहां पर आपका साइंस का मार्क्स आया, यहां पर एसएसटी का मार्क्स आया, और फिर यहां पे इंग्लिश का मार्क्स आया। अब देखिए आपका कर्सर नीचे आ जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं तो यहां पे श्याम कर देते हैं, और यहां पर जो वैल्यू है वो डाल देते हैं, तो ये इस तरीके से डाल दिया हमने, और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला जो स्टूडेंट है उसका भी वैल्यू यहां पे डाला जा सकता है, तो यहां पर जो भी इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं वो वैल्यू यहां पर डाल दी जाएगी। तो यहां पर ये हो गया, ये इस तरीके से, और जो भी मार्क्स था वो हमने इनपुट कर दिया। अब इसको क्लोज करना है इस टेबल को, और क्लोज करके एक क्वेरी बनानी, क्योंकि हमें टोटल भी कैलकुलेट करना है और इनका एवरेज भी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख रहा होगा, यहां पर आ जाइएगा। जैसे ही आएंगे तो कहेगा कि ये टेबल से ही क्वेरी आपको बनानी है, तो टेबल को यहां पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिएगा, और जैसे ही क्लोज करते हैं तो अब यहां पर क्या करना है, इसको इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, और इन सारे ही फील्ड्स को, जैसे यहां पे रोल नंबर है तो डबल क्लिक करिएगा तो यहां पर आपको रोल नंबर दिखने लगेगा, ठीक है। फिर यहां पे नेम, स्टूडेंट नेम है तो ये आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, यहां पे एसएसटी आ जाएगा, और यहां पे इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, और ये आने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर आपको अब टोटल कैलकुलेट करना है। तो चूंकि हमने फील्ड नेम दिया नहीं है तो यहां पर हम फील्ड नेम चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें टोटल करना है, तो टोटल करें कैसे, तो यहां पर मैं जो फील्ड का नेम है वो दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे फील्ड का नेम कुछ भी देना चाहते हैं, तो जो भी देना चाहते हैं वो यहां पे दे सकते हैं अलियास के अंदर। तो यहां पे मैं कर देता हूं फील्ड का नाम टोटल मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मार्क्स इस फील्ड का नाम, और यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको डबल डॉट कॉमा के अंदर जो है कैलकुलेट करना है, एक्सेस के जैसे आपको कैलकुलेट यहां पर नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तभी आपका आंसर आएगा। तो यहां पे ये कंप्यूटर हो गया, डबल इनवर्टेड कॉमा को क्लोज किया, प्लस किया, फिर यहां पे दूसरा जो आएगा मैथ्स आएगा, MATHS मैथ्स हो गया। अच्छा, ये चीज जो है डबल डॉट कॉमा के अंदर रहनी चाहिए, ये चीज बखूबी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहां पे प्लस का निशान लगाइए, और प्लस का निशान लगाने के बाद यहां पे साइंस करिए, तो यहां पर क्या करना है आपको, डबल डॉट कॉमा लगाना है, ओपन करना है, और यहां पे लिख देना है साइंस, ठीक है। ये साइंस कर दिया। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना है कि साइंस वहां पर कैपिटल लिखा गया, यहां पर देखिए ये कैपिटल में है एस, तो स्मॉल में लिखिएगा तो ये नहीं चलेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहां पर एसएसटी है तो एसएसटी जैसे लिखा गया वैसे ही लिखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। तो एसएसटी, तो ये अब हो गया है, यहां पर देख सकते हैं ये एस एस टी, ये हो गया। अब डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके और फिर यहां पर प्लस का निशान लगाना है, और लास्ट में क्या बचा, तो इंग्लिश बचा है, तो डबल डॉट कॉमा में ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे रन कराना है इस क्वेरी को। यहां पर देखिए रन क्वेरी का ऑप्शन भी आ रहा है, तो जब आप रन कराएंगे तो क्वेरी रन हो जाएगी। लेकिन रुकिए, यहां पर हमें अभी एक चीज और कैलकुलेट करनी है, लेकिन चलिए हम अभी इसको टोटल करते हैं। तो यहां पे टोटल करते हैं, यहां पे आपको टोटल दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। अब ये तो टोटल दिखाई पड़ने लगा, अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी जो है एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब एक अलग से क्वेरी बनाएंगे हम फिर से वापिस से, ठीक है। तो अभी इसको सेव करना है, तो जब इसको क्लोज करेंगे उसी वक्त हम इसको सेव भी कर लेंगे। तो यहां पर ये है टोटल क्यू, यानी टोटल की क्वेरी यहां पे बनाई गई है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल क्यू, यानी टोटल वाली क्वेरी ये है। तो एक क्वेरी तो बन गई, अब दूसरी क्वेरी बनानी है, तो वापस डिजाइन ग्रुप आइए और इस टेबल को आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर क्वेरी को भी ले सकते हैं। तो यहां पे क्वेरी पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और इस क्वेरी को लेते हैं इस बार, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं और यहां से आकर के और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो अभी हमने टोटल रोल नंबर ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, कंप्यूटर मैथ्स ले लिया, साइंस ले लिया, एसएसटी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, और यहाँ पे टोटल मार्क्स भी ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें करना है एवरेज, ठीक है। ये एवरेज हो गया, और एवरेज किस तरीके से आएगा, तो टोटल मार्क्स को डिवाइड करेंगे 5 से। तो ये लिखा डबल डॉट कॉमा में टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, अपॉन 5 कर दीजिएगा, और बस यहां से आपका एवरेज कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट होती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इस क्वेरी को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेरी लिख सकते हैं ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस के अंदर, क्लियर है। ओके।